मुंबई के एक बड़े अस्पताल पर लगे हैं लापरवाही के आरोप। एक पिता का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी बेटी को गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया, जिससे उनकी बेटी की मौत हो गई। दीप्ति की ये मुस्कान अब सदा के लिए गुम हो गई है। दीप्ति अब इन तस्वीरों में ही सिमट कर रह गई है। 21 साल की दीप्ति अब कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि घर वालों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। जिस बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला था, वो अब नम आंखों से अपनी बेटी की तस्वीर को ताकता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद एक बार फिर उसकी लाडली इस बेजान तस्वीर से बाहर निकलकर बोल उठेगी। जहां इस बाप की आंखें नम हैं, वहीं इनमें गुस्सा भी भरा है। गुस्सा उस अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों पर, जिनके हवाले इन्होंने अपनी बेटी को सौंपा था। कैंसर से जूझ रही दीप्ति को उसके घर वालों ने इलाज के लिए मुंबई के मशहूर जसलोक अस्पताल में भर्ती करवाया था। घर वालों को उम्मीद थी कि इतने बड़े अस्पताल में उनकी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। घर वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को गलत ग्रुप का खून चढ़ाया गया, जो आखिरकार जानलेवा साबित हुआ। पापा, मेरे को ठंडी लग रही है, आप जरा देख लो। तो मैं पैक देखने गया जब, तो पैक में मैंने देखा ये बी ग्रुप का ब्लड था, वेयरएज ही वाज ए ग्रुप। आई इमीडिएटली क्लोज द टैब, जो उनका स्लॉट होता है वो स्लॉट नीचे किया, और मैं इमीडिएटली उनको डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को जब बुलाया, उन्होंने देखा, बोला नहीं नहीं वो बी है, डॉक्टर अमित, वो तो बी है, आपकी गलती है। बोला मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। घर वालों के मुताबिक अस्पताल की लापरवाही की लंबी फेहरिस्त है। गलत ग्रुप का खून चढ़ाने के बाद अस्पताल में दीप्ति को इस लापरवाही से सिरिंज लगाया गया कि पूरा खून उसके बेड पर फैल गया। और तो और, दीप्ति की हालत बिगड़ने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट करने में एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बर्बाद किया गया। दीप्ति के पिता का कहना है कि अस्पताल के कर्मचारी जिस तरह से बर्ताव कर रहे थे, उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो बेटी को मार देना चाहते हैं। As a pre-planned, I think I'll say a murder. पेशेंट को ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन बिल बनाने के ऊपर ध्यान ज्यादा है। दीप्ति के पिता ने अस्पताल कर्मियों की इस लापरवाहियों के कच्चे चिट्ठे से जब अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर को रूबरू कराया, तो पहले तो उन्होंने डॉक्टरों की लापरवाही मानने से ही इनकार कर दिया, हालांकि बाद में शिकायत की जांच का भरोसा जरूर दिलाया। नेक्स्ट डे मेरे को अपोलॉजी लेटर आता है मोहिते का, सेइंग दैट हमको ये है, मेरे वाइफ के पास और मेरे बेटे के पास जाके माफी मांगता है। तो अस्पताल के मुताबिक दीप्ति की मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है, लेकिन घर वाले ये मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने पुलिस में जसलोक अस्पताल के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अब ये जांचने में जुटी है कि दीप्ति की मौत कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से हुई है या फिर अस्पताल की लापरवाही से।